ये है फ्रेंड्स गणेश पंडाल जो कि यहीं पर विराजमान हुए थे गणेश जी। और देखिए सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग का तो नाम नहीं लिखे, कुछ कुछ ज्योतिर्लिंग के नाम लिखे ऊपर में जो है मंत्री, और जब स्थापना हो जाती है उससे भाई मतलब पूरा लुक चेंज हो जाता है जब। भाई क्या प्यारा सा पंडाल बनाया गया यार, काफी प्यारा कुछ दिखा मुझे यहाँ पर। देखो पूरे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इंट्रो में कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग अलग करा जाए और गाड़ी के चलाते साथ में चलो इंट्रो ही करते हैं। तो दोस्तों आज है गणेश जी का 5वां दिन और आज हम लोग जा रहे हैं चरोदा में भाई, वहाँ पर जोन 1 जोन 2 में जितने भी वहाँ पर आस पास के जितने भी गणेश जी हैं सभी एक ही वीडियो में आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और एक तो खास मैं देखा हूँ जो मैं ऑनली में जो अपन ये तो ब्लॉग शूट किया था, जो कि कभी भव्य मूर्ति को जो मैं गाड़ी में बैठाया था वो लोग मैं स्लो शूट किया था, तो वहीं के आज गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं भाई। फुल माहौल होने वाला है और जो भैया अध्यक्ष कार्तिक भैया क्लोज मतलब फ्रेंड है, तो चलिए बात करेंगे जैसा भी माहौल होगा सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, और तो मैं अभी तो रास्ते ही में हूँ और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं अभी ये कुर्सी पार वाला गेट के पास। मैं यहाँ पर इसका शूट किया था पता है उस समय जिस दिन बारिश हो रहा था ना, अभी भी वीडियो एडिट ही नहीं किया हूँ। अब देखो इसको कब डालूंगा। तो ये है फ्रेंड्स गणेश पंडाल जो कि यहीं पर विराजमान हुए थे गणेश जी। और देखिए जो है चलिए आखिरी दर्शन कर लेते हैं गणेश जी के, आप भी कर लीजिए जो है दर्शन। अभी मतलब बात हुआ है इधर से पंडाल वाले, कुछ लोग पूछा उन्होंने जो पंचमी सर्जन कर देते हैं, और मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई चल रहा है इसलिए मैं वहाँ पर ज्यादा आप लोग को बताया नहीं, इसके बारे में कम ही बोला। जैसे कि मतलब भाई कुछ कुछ लोग तो ना भाई जैसे महाराष्ट्र में तो एक ही दिन में मतलब विसर्जन हो जाता है, तो यहाँ पर 5 दिन में विसर्जन हो गया। तो चलिए, और चलिए दर्शन तो हो गया भाई, हम लोग लक्की मतलब हमें तो लक्की मानूंगा अपने आप को, चले भाई हम लोग जाते चरोदा और चरोदा के साथ साथ में गणेश जी के दर्शन भी मतलब हम लोग को प्राप्त हुए भाई। तो चलिए हो गए दर्शन, अब चलते हैं सीधा चरोदा में। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन चरोदा में और देखो भाई काफी प्यारा सा जो है ना भाई लाइटिंग किया गया है दूर से ही। इस बार ना उस टाइप का माहौल नहीं है जितना ना भाई पिछले साल था। पिछले बार कुछ इस्कॉन टेम्पल बना था और जहाँ इस जगह पे जिस जगह से मैं शूट कर रहा हूँ उसी जगह पे भाई इतना ज्यादा भीड़ हो चुका था, मतलब पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और इस साल देखो पूरा खाली खाली दिख रहा है और पंडाल। चलिए मैं आपको पास जाके पंडाल दिखाता हूँ जो कि रामेश्वर जो है ना तमिलनाडु में वही थीम पे यहाँ पर बना है पंडाल। क्या पिछले बार ना भाई बड़े बड़े झूले भी लगे थे, इस बार देखो झूले मतलब झूले में बच्चे लोग के लिए है जो कि बचपन में इस टाइप के झूला झूलते। इस टाइप तो भाई मेरे समय में इला झूला भी नहीं था, वो था मिक्की माउस वाला था उस टाइम जब मेरे समय में था। तो अभी इसीलिए जो बड़ा बड़ा झूला नहीं है ना इसलिए माहौल नहीं लग रहा आपको यार। तो चलिए भाई चलते अब सामने और गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं भाई ओरिजिनल जो मंदिर है रामेश्वर वाला ओरिजिनल तो नहीं गया हूँ, बट ये पंडाल चलो देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पर भी एक बार जरूर जाना है भाई रामेश्वर में भी। चलते हैं अब पंडाल के अंदर और जो है ना गणेश जी के पहले दर्शन कर लेते हैं। और काफी देखो यहाँ पर भाई क्या प्यारा सजाया गया पंडाल भाई, पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ देखो पूरा ड्राइंग बना हुआ है। काशी विश्वनाथ वैजनाथ महाकालेश्वर सोमनाथ रामेश्वरम पूरे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है पूरे शिवलिंग के पूरे ड्राइंग बने हुए हैं।
वैसे बारह ज्योतिर्लिंग का तो नाम नहीं लिखे, कुछ कुछ ज्योतिर्लिंग के नाम लिखे, ऊपर में जो है मल्लिकार्जुन है उनके ऊपर ऊपर के नाम नहीं लिखे हुए। दर्शन करते हैं इसी मूर्ति की बात कर रहा था। यह मूर्ति है ना, मूर्तिकार गिरधर भैया के पास की है। देखो मतलब मूर्ति जब बनती और जब स्थापना हो जाती है उससे भाई मतलब पूरा लुक चेंज हो जाता है। जब पंडाल में जब गणेश जी विराजमान होते हैं तो पूरा लुक चेंज हो गया। देखो उस समय जब मूर्ति मैं ना इसको मूर्ति को शुरू से बनते हुए देखते आ रहा हूँ और अभी जब मैं जब बैठ जाते ना विराजमान हो जाते पूरा लुक चेंज हो गया। गणेश जी के सूर में देखो रामेश्वर का जो है रामेश्वर मंदिर का पूरा वो है ड्राइंग बना हुआ है सामने का, काफी प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपन आ चुके हैं पंडाल के बाहर में और एक चीज़ तो अपना आज लक्की मानूंगा भाई, इतना दिन से मतलब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ एक भी दिन मतलब हमारे समिति के भी भाई मैं ना अभी आरती में शामिल नहीं हूँ, बट चलिए आज ब्लॉग यहाँ पर शूट करने और आरती में भी शामिल हो गए। क्यों भाई शामिल हो गए ना भाई, आज बहुत लक्की थे अपन पूजा में अपन नहीं सच्ची रियली बता रहा हूँ भाई कि अपन पहले दिन से मैं क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और एक भी दिन में मतलब आरती में कहीं भी अटेंड नहीं हुआ। तो चलिए भाई यहाँ पर दर्शन भी और आरती भी अटेंड हो गया। तो चलिए अब चलते हैं और भी दूसरे जगह का देखते हैं और कहाँ पर यहाँ पर आस पास के गणेश जी मारो 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 आप आओगे यूट्यूब में आओगे आप मारो फिर। अरे बेहतरीन यार बेहतरीन ब्रो एक नंबर। चलिए भाई द तरुण ब्लॉग ठीक है कल तक आ जाएगा ठीक ओके बाय। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन अभी ना चौरोदा के जोन 2 में और यहाँ पर कुछ भवन बना हुआ है, कितना एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पास मतलब वहाँ पास जाके किसी से पूछना पड़ेगा कि कौन सा भवन बना है। तो ये है चौरोदा जोन 2 के अभी पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पर माहौल है भाई, देखो पार्किंग गाड़ी कहाँ तक लगा हुआ है, पूरा बाहर तक गाड़ी लग चुका है। तो चलिए चलते हैं पास जाके पंडाल दिखाते हैं और गणेश जी के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बना है जोधपुर पैलेस, बना है जोधपुर का पैलेस बना है ये देखो यहाँ पर भाई क्या प्यारा सा भाई देखो शिव जी की ना फोटो में देखो फोटो है और लाइट लगा हुआ ना और भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ बंदर भाई क्या प्यारा सा पंडाल बनाया गया यार एक नंबर लग रहा है और पूरा जो लाइटिंग दिख रहा है ना लाइटिंग के कारण और भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। जोधपुर पैलेस है ये, रियल में तो देखा नहीं, चलो पंडाल के माध्यम से चलो देख ले रहा हूँ। और इधर देखो सामने में ना फुहारा लगा हुआ है। तो चलो अब देरी नहीं करते हैं अब चलते हैं अब दर्शन करते हैं। क्या प्यारा सा सजाया गया यार पंडाल, क्या मस्त सजाया गया यार पंडाल। इधर से एंट्री किया देखो डेकोरेशन देखो पहले भाई आप क्या प्यारा सा लगा यार पंडाल और पंडाल से तो कहीं ज्यादा भाई मूर्ति भी प्यारा लग रहा है। और ये सदे मूर्ति थनोत की मूर्ति है और अगल बगल रिद्धि सिद्धि माता है। तो चलिए पास जाके करते हैं दर्शन। एक चीज और जो काफी प्यारा कुछ दिखा मुझे यहाँ पर देखो पूरे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना उसके बारे में जितना भी हिस्ट्री है या फिर सब लिखा हुआ है। इधर देखो तो मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इधर यहाँ भीमाशंकर है ज्योतिर्लिंग है, ऐसे महाकालेश्वर है। यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के ना पूरे लिखे हुए हिस्ट्री यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ मतलब वो पंडाल के बाहर से और ना एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर ना भाई कोई पार्किंग का कोई चार्ज नहीं था, मतलब हमारे पता नहीं भिलाई में भाई पार्किंग का चार्ज होता, कल दुरुग में भी गया दुरुग में भी छाती हो कोई कॉस्ट नहीं कोई पार्किंग नहीं, बस भिलाई में सब कुछ चार्ज है टिकट है। तो ये चीज़ मतलब सुन के थोड़ा बुरा लगता है भाई क्योंकि हमारे देखो चौरोदा में यहाँ पर कोई एक गुण भाई पार्किंग का चार्ज नहीं लिया, तो मेरे को ये सब देख के थोड़ा अच्छा लगा।
और दर्शन तो काफी अच्छे हो गए जोन वन जोन टू के, और एक तो हम लोग विसर्जन हो रहे थे गणेश जी के, वहाँ के भी दर्शन कर लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी रखते हैं इतना ही। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।